अस्सलामुअलैकुम, मैं सईद ज़ुल्करनैन और अपने YouTube चैनल सही एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे PP 90 जो है ये बखर का है, जो एरिया है दरिया खान का, वहाँ की सियासत और जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है, इस हफ़्ते क्या क्या नई डेवलपमेंट हुई हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो PP 90 है, यहाँ पर नवानी ख़ानदान बड़ा मशहूर एक ख़ानदान है, बहुत अरसे से यहाँ पर सियासत कर रहा है। उनकी मुखालफत में हमेशा यहाँ पर नियाज़ी ख़ानदान होता है। ये नियाज़ी ख़ानदान वो जो इनामुल्ला नियाज़ी, हफीज़ुल्ला नियाज़ी, ये जितने भी लोग हैं जो इमरान ख़ान साहब के जो कज़न हैं, ये इमरान ख़ान साहब के सियासी तौर पर मुखालिफ जो धड़ा है यहाँ पर, वो नून लीग को हमेशा से वहाँ पर रहा है। नवानी ख़ानदान आज़ाद हैसियत में हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं नवानी ग्रुप के नाम से, फिर वो जिस साइड पे वो उन्होंने जाना होता है, जिस साइड पे इलेक्शन देखते हैं, पार्टी जिसकी मजबूत है या जिसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से इन्होंने 2018 में किया था, सईद अकबर नवानी साहब इलेक्शन जीतने के बाद शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि वो डिफेक्ट कर गए इसलिए वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। अब वहाँ पर जो धड़ेबंदी है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है, जो हमने 2018 या बाकी जिस तरह की यहाँ पर सीटों के ऊपर होती है, अब उससे ये ज़रा डिफरेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो इसका बताता हूँ। जो नवानी ख़ानदान अब के बाहर है, ये अब्दुल मजीद खनान खेल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है नवानी ख़ानदान अब्दुल मजीद खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मजीद खान नून लीग की तरफ से होते हैं। फिर इनका जो मजीद खान, इनका ग्रुप हमेशा नियाज़ियों के साथ बनता है। दूसरे यहाँ पर हमने देखा है वो जो मस्ती खेल ग्रुप है, सनाउल्ला मस्ती खेल साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, वो वहीं उन्हीं के उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल टाइम में खड़े भी रहे हैं। अब वहाँ पर जितने जो 3-4 और MPAs हैं, अगर हम बात करें आमिर शाहानी की, छीना साहब की, जो छीना ग्रुप के यहाँ पंजाब के में हेड भी थे, वो हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और जो MPA के उम्मीदवार, जो MPA यहाँ से बने हैं, ये सारे एक साथ मिलकर नियाजियों की इन्होंने सपोर्ट की और इन्होंने जाके इमरान खान साहब से कहा कि आप अपने कज़न से सियासी तौर पर सुलह कर लें और इनको टिकट इनको दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर सीट जीतनी है तो नियाजियों के लिए बड़ा अहम है। और नियाजियों के लिए भी यहाँ पर मुश्किल ये था कि नून लीग उनको अकेला छोड़ चुकी थी, उनके बाद ऑप्शन यही था या वो आज़ाद लड़ें या किसी के टिकट के ऊपर। ज़ाहिर है जो धड़े का ग्रुप है, जो वोट है, वो तो आपको मिलेगा। ज़ाहिर है जीतने के लिए आपको किसी न किसी पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नियाजी ने भी ये फैसला किया कि हमें PTA के जो वर्कर हैं, जो PTA का जहाँ पर वोट बैंक है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए नवानियों को हराने के लिए। अब वहाँ पर जो सियासत हो रही है वो ऐसे समझें कि नवानी एक साइड के ऊपर हैं और बाकी जितने भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं वो एक साइड के ऊपर हैं। कोहावड़ ग्रुप जो है, खावड़ ग्रुप जो PTI के साथ रहा है, जो MNA का इलेक्शन भी उन्होंने PTI के टिकट पर लड़ा था, असफर अली खावड़ साहब, उनकी एक दो मुलाकातें भी हुई हैं, वो उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन अब उनकी जो क्या उसको कह सकते हैं, उनके पांव पीछे हैं इस हवाले से। सुनने में ये आ रहा है कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब ने डायरेक्ट उनसे बात की है ख़ुद, और उनको ये कहा है कि आप इरफानुल्ला नियाज़ी जो है PTI की कैंडिडेट, उनकी हिमायत करें। अभी तक बाकायदा तौर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की वहाँ पर सियासत हो रही है, जिस तरह की वहाँ पर बातें चल रही हैं, वो सारे लगा कि हमें ये लग रहा है कि जो जब इमरान खान यहाँ पर विज़िट करेंगे तो वो बाकायदा तौर के ऊपर नियाज़ी ख़ानदान की सपोर्ट करेंगे फुल। नवानी ख़ानदान के लिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट होगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी होगी, वो उसके लिए काम कर रही है। बखर के जो DPO साहब हैं, बखर के जितने भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो उनके लिए काम कर रही है। वहाँ पर हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके फंड्स का भी ऐलान कर रहे हैं, गो कि ये कानूनी तौर पर नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो फंड्स का ऐलान नहीं कर सकते, बहरहाल क्योंकि गवर्नमेंट है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के अब वहाँ पर सिचुएशन ये है, मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये है कि नवानी ख़ानदान अब भी कुछ बेहतर है वहाँ पर, उनकी जो सियासत है, क्योंकि वो अकेला लड़ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे एक साइड पे हैं। नवानी का अपना वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है, वो 75,000 वोट लेकर यहाँ पर पहले भी कामयाब हुए थे, ये उनका पर्सनल वोट बैंक है। दूसरी साइड से वो जो एक और MPA के वो सीट हारे थे, वहाँ पर भी उनके 65,000 वोट थे।
तो इसका इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो नवानी हैं उन उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी पार्टी है बखर के अंदर। लेकिन जो नियाजी हैं, नियाजियों का था मसला ये है कि वो पिछली दफ़ा जीते थे, ज़्यादा काम नहीं हुए थे, इसलिए इस वजह से लोगों के बड़े गले शिकवे हैं। पर उसका अब भी शायद लोगों को ये लग रहा है कि शायद वहाँ पर, क्योंकि वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब हैं, नवानी ग्रुप ज़ाहिर गवर्नमेंट आएगा, तो हो सकता है लोग उस फेवर में जाएं। अगर जो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, अगर उसका फ़ैसला आ जाता है किसी और तरह से हमजा शहबाज की, अगर वो चली जाती है सीएमशिप, मेरे ख्याल में फिर इस हलके के साथ साथ जो जिस तरह पूरे पंजाब के हलकों के अंदर ये एक डेंट पड़ेगा मुस्लिम नून को कि ज़ाहिर गवर्नमेंट अब किसी की भी नहीं रही, तो हो सकता है जिसको हम वोट देंगे कल गवर्नमेंट में आ जाए, तो ये चीज़ हो सकती है इस सीट के ऊपर। मेरा ये तजिया है कि अभी भी यहाँ पर 53 और 47 के हिसाब से यहाँ पर कंटेस्ट है, जो कि बहुत क्लोज है मेरे ख्याल में। आगे 3-4 दिन अभी रहते हैं, फिर उसके बाद ईद भी आने वाली है, 2-1 हफ्ते बन जाते हैं, तकरीबन 20 दिन बन जाते हैं। इसमें फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा धड़ा किस तरह की सियासत कर रहा है। नवानियों की कंपेन अच्छी है, नवानियों के साथ बंदे अच्छे हैं, वो नवानी फिर वो इलेक्शन की जो साइंस है जिसको हमेशा लोग कहते हैं, वो साइंस उनको आती है। नियाजी भी एक अच्छा धड़ा है, लेकिन नियाजी को बहरहाल क्योंकि बहुत से धड़ों की ज़रूरत थी, वो धड़े किस तरह इनकी सपोर्ट करते हैं, क्या वो मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। सनाउल अहमद सीखर और छीना ग्रुप वो बड़े इनके लिए तगदव कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के इमरान खान साहब की हिदायत है। बहरहाल देखें कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या होता है। आगे कोई भी नई अपडेट होगी तो उस हवाले से आपसे बात करूँगा।